हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। सगल सूरत हालात सब बेकार हैं, कोई बात नहीं, उनको करें इग्नोर। और आई नो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ब्लॉग आ रहे हैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट प्रोबेबली अब से कंटिन्यू ब्लॉग्स आएंगे फॉर सम डेज अगेन। उसके बाद वापस से पर्सनल रीजंस शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही सुनना चाहते थे तो ऐसी बात नहीं है, अब से ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे गाइस। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, स्टिल इन प्लान। एक दो दिन बाद तुम लोगों को कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, कुछ नई मिलेगी, फैमिली मिलेगी, घर मिलेगा, द्वार मिलेगा, ट्रैवल मिलेगा, बहुत सी नई नई चीज़ें मिलेगी यार, बहुत सी चीज़ें प्लान्ड है। फिलहाल दिल्ली आने के बाद से कोई ब्लॉग नहीं हुआ। सुनांशा भी मेरे साथ दिल्ली आई थी तो कोई घूमना फिरना नहीं हो पाया अपना, और अब से घूमना फिरना भी होगा। अब से क्या, आज से होगा। तो फिलहाल सुनांशा, अनुपमा, प्रशांत भैया ये लोग गए, नहीं सुनांशा अनुपमा ये लोग गए मार्केट सरोजनी, जो लड़कियों का शौक होता है अपना सामान वामान कपड़े वपड़े लेने। और प्रशांत भैया अभी ऑफिस से आ रहे हैं, मैं तैयार हो चुका हूँ कुछ फंकी सब पहन कर। इसे देख के मत समझना कि मैं एस्थेटिक हूँ, बट मैं एस्थेटिक नहीं हूँ, अब मैं एस्थेटिक हूँ। तो हाँ, कहाँ थे अपन? तो फिलहाल के लिए जा रहे हैं सोनांशा को दिल्ली का कुछ एक्सपीरियंस देने। मार्केट वो घूम चुकी है, अक्षरधाम वो घूम चुकी है, सब वो अकेले घूम चुकी है मेरे बिना गाइस। क्योंकि सोनांशा जब आई तब मेरा ऑफिस डेज था, ऑल दो मेरा फ्राइडे सैटरडे थोड़ी सी छुट्टी होती है, बट इस बार वो थोड़ी सी छुट्टी मैंने एक्सटेंड करा के नेक्स्ट वीक के लिए ली, एक सैंडविच लीव बनाने के लिए। क्यों? वो भी तुम्हें दो या तीन दिन के व्लॉग्स, जो दो तीन दिन के बाद अब व्लॉग डलेगा उसमें समझ में आ जाएगा कि क्यों। ठीक है, हाँ क्यों। तो फिलहाल के लिए सिस्टम ऐसा है कुछ अपना कि अभी अपन लोग जा रहे हैं, प्रशांत आने वाले होंगे 15-20 मिनट में, उसके बाद हम निकल रहे हैं अपना टाइम जोन दिल्ली की मस्ती विद माय सिस्टर, मस्त वाली। और भी दोस्त हैं अपने, सो जो अपनी ग्रुप है ना वो दिल्ली देहरादून वाला जो था, मेरे सारे भाई बंधुओं वाला, वो वाला ग्रुप जो है अपना, वो अब यूनाइट हो चुका है वापस से, सिवाय आयुषी के बाकी सब बंदे अपने साथ हो चुके हैं। तो मस्त वाला व्लॉग आएगा, मस्त व्लॉग आने वाला है। बाकी रूम थोड़ा सा फैला हुआ है, घर से आने के बाद से टाइम नहीं मिला। ऊपर से मेरी ये जो अलमीरा थी ये भी टूट गई है, जो ये फोल्डेबल वाली थी, तो उसको मैंने एक्सचेंज पर डाला है, दूसरी मंगाऊंगा। तो रूम टूर भी कराता हूँ तुम्हें, आज तो नहीं कल कराता हूँ, जो भी सारा सेटअप कर दूँगा उसके बाद। ठीक है, साइज वी हैव वन पर्सन विद अस, दैट इज मिस्टर प्रशांत खत्री, आई विल शो यू दिस गाय, दिस गाय सी दिस गाय। हमारा शीशा थोड़ा छोटा हो गया, मंगाए हमने दो पैकेट थे बट वो थोड़े से कम रह गए हमें, तब मुँह धोते हैं और निकलते हैं। ये बैग मजबूरी में मेरे को लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों ने मार्केट से बहुत ज़्यादा सामान ले लिया जो उनके पास रखने को जगह नहीं है। अरे भाई, हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है यार, निकल गया। पहले आदमी की पेट पूजा शुरू हो गई अभी से ही। क्या खुद तो खानी ना, तो खुद नहीं खा रहा इसीलिए तो तुम्हारी पेट पूजा हो रही है, वरना सारा मेरा तो तू खा लेता। सही कह रहे, लाओ पहला मेरा हाँ, तो फिर अब क्यों बोल रहे मैं खा लेता हूँ? बोलो। हाँ, इसे कहते हैं लालच, अब मेरी बारी है ना, कुत्ते के नाम का। इस बार तो खुद ही नहीं खाओगे तुम, देखो नाम का निकला है, कुत्ते के नाम का है इसलिए। सिक्स फोर फोर नाइन, चलो गाइस एक्साइटेड। 4-4-9 किडनैप तो नहीं करोगे भैया हमारा? अरे बाबू जी कहाँ ले गए, अरे भैया पागल है। मैं और प्रशु तो पहुंच चुके हैं, इस आदमी का कैब से उतरने का मन ही नहीं कर रहा है, कैब से उतरने का मन नहीं है क्या? नहीं है बिल्कुल, मुझे ड्राइवरों वाली फीलिंग दी यार इस आदमी ने अभी। तो अपन पहुंच चुके हैं एम्बियंस मॉल, ये वाला एम्बियंस मॉल, ये हमारा वसंत कुंज। अभी हमारे बाकी मित्र बंधु आने को हैं तो एक बार वो आ जाए फिर चलते हैं अंदर। पूरी यहाँ आते ही तो मैं खूबसूरत हो गया यार, खूबसूरत नहीं लाइट तो कमाल है। अच्छा, उसी को खूबसूरत होना कहते हैं। बाल थोड़े से गंदे हो गए इस आदमी के, मेरे तो हॉट है अभी। हमें वो ढूंढने में टाइम लगेगा यहाँ पे कम से कम आधा घंटा, उसके बाद कुछ पता चलेगा। और शिफ्ट मिल गया, आधा घंटा हो गया बुरे, आधा घंटा एक सेकंड में खत्म हो गया। लिफ्ट से उतरते साथ ही, उससे एक्सकलेटर से उतरते साथ ही।
अब तब तक एक गेम खेल लें उनको बोल देंगे यार खत्म हो गया। सही कह रहे सही कह रहे भाई, मेरा कैमरा पहली बार भाई टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा है यार। ये काम कभी हमने देहरादून में नहीं किया जो हम यहाँ करने आ गए। ऐसा क्यों प्रशु भाई, मैं घुड़सवारी करूँगा जैसे मैंने कल तुम्हारे करी थी ना घुड़सवारी। वो ये भी करेंगे वीआर गेमिंग, बोलो क्या बोलते हो, लड़ाई करेंगे तगड़े वाली। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, वीआर गेमिंग करेंगे ये वाली लड़ाई झगड़े वाली दोनों भाई की। अंदर गए और 15 मिनट के अंदर बाहर आ गए बिना कुछ खेले, सिर्फ प्राइस देख के 15 मिनट भी नहीं रुके होंगे ना, गरीब हो जाते गाइस हम। टाइम जोन का प्लान फ्लॉप होता हुआ हमारा, अब हमने अल्टरनेट प्लान ढूंढा उसके लिए, तो अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। अपनी गरीबी को थोड़ा सा अमीरी में तब्दील करते हुए वो बच के हम अभी गिर जाते। दिखाओ क्या करना है, क्या करना है, टेल मी क्या करना है, क्या करना है। फोटो ले मेरी बढ़िया। अच्छा फोटो खींचनी है इनकी, फोटो हमने 300-400 फोटो खींच दिया है। पर ये आदमी दिस गाय ये मुझे बाहर लाए थे ये बोल के कि जूस पिलाता हूँ, मेरा गला सूख रहा है। पिलाता तो हूँ अभी जूस, जब पीले कलर का जूस आया हमारा पीला आता है। शिट मैन, इनके जूस में वो है पता है क्या, यूरिन। नहीं अरे यूरिन तो है, यूरिया तुम्हारे में वो ज्यादा है, टर्मरिक पाउडर। ओ भाई मुझे ना यहाँ जॉब करनी है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बनना है मुझे, बस एक ही सपना है मेरा। इधर उधर पार्क करता रहा करूँगा, फ्लैक्स करता रहा करूँगा गाइस प्रशांत भैया की तरह। बहुत फालतू बातें कर ली हमने, बट अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सी, द क्रू? ओनली क्रू, द क्रू, क्रू। तो एक ही प्लेन में एक ही क्रू हुआ इसलिए द क्रू, यूनिवर्सल ट्रॉफी। इंग्लिश पढ़ते था मैं कुंडीर मैम से, पता नहीं कैसे ऐसा विचित्र सा थिएटर है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कार पार्किंग में जा रहे होंगे अपन। ओ भाई ये है क्या, टेंटों में बैठ के देखनी है क्या। अब कुछ पीने को ले लेते हैं गाइस, यहाँ से गला सूख के मेरा समुद्र बन गया है, पता नहीं क्या ही बोलता हूँ मैं बिना सिर पैर की बातें। आइस मोका थोड़ा सॉफ्ट हो गया गाइस, अपन बाहर आ गए तो आइस मोका मेरा, बिकॉज माय गला इज ड्राई। ओके गाइस बाहर आ गए ना हम लोग, पता नहीं कैसे अंबानी से फील करने लगते हैं। यही ले लेते यार, लेमोनेड भी लेते, 160 रुपये में काम हो जाता था, बुतरे का लिखा था गाइस 610 रुपये की दो कॉफ़ी ली हम दो लोगों ने। अमीरी देख रहे हो हमारी, स्टारबक्स तो मैंने तुमसे कहा था स्टारबक्स से लो, खालो मम्मी का सब नहीं बोला था मैंने ब्लॉग में, फिर मैंने बोलता चलो ऐसा। अच्छा मैंने उन्हें बोला स्टाउट चल लो मान ही गए, यहाँ पे 610 की दो कॉफी पिला रहे गाइस। क्या मिलता, रिफिल भी मिलता, हॉट कॉफी लेते रिफिल मिलता जितनी देर ये लोग ना आते। गाइस बहुत बुरे वाली कॉफ़ी पी हमने, बहुत ही गंदी, 610 रुपये वेस्ट, उससे बुरी आज तक कॉफ़ी नहीं पी। गजब का पी वी आर है गाइस, हमारी लड़कियाँ आ जा रही है वॉशरूम, और ये है इसका पीवीआर का फूड कोर्ट, और सामने अपन को पीवीआर में अंदर जाना है। ये आदमी बातें बनाता रहता है जब भी देखो, कभी किसी लड़की से कभी किसी लड़की से, गलत है ये आदमी बहुत ज़्यादा, इस मग्गे में डूब के मर सकते हैं अपन। गाइस चलो भाई, अब देखो गाइस हमने लिया अनलिमिटेड कॉम्बो, कितने भी बार बार आ सकते हैं, मैं सालों को गरीब कर दूंगा आज पीवीआर वालों को। गाइस इस पूरे को ओके गाइस, मिशन नहीं भूलना है मिशन, कुछ नहीं वो तो लास्ट हमारा प्लान है, इसमें हमारे पास पनीर हम भर के सब घर लेके चल जाएंगे गाइस, भर के उसके बाद घर जाके खाएंगे। तभी तो हम ब्लॉगिंग के लिए चालू हुए भाई ने अनलिमिटेड की ऐसी तैसी कर दी इन दो लड़कियों ने। अनुपमा आगे ये देखो गाइस, इसे साफ करना कैमरे को, इतनी देर से सिर्फ चरे जा रहे हैं लोग यहाँ पे, ये तीसरी बार इन्होंने रिफिल किया है इसे। ये तो अपन ने 1-2-3-4 बार रिफिल दिया तगड़े वाला, वो भाई यहाँ का तो लेजेंडरी वॉशरूम निकला यार भाई, इन्होंने ना बड़ा पैसा मारा यार। कैसा 80 आए थे मूवी देखने बीच है ना, उसमें 4 हमने अरे वो छोड़ो वो तो दूसरी चीज़ है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक तगड़ी चीज़ मूवी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चुनर देख लो गाइस, फिर जी क्लास AMG, फिर सी क्लास, फिर इवो की होगी ये शायद ना डिस्कवरी, और उसके बाद गाइस ये है सबसे महंगा BMW की EV गाइस,
सबसे महंगा सौदा। लेकिन भाई टट्टी ओए पागल आदमी भाई, ईवी भाई टट्टी।